10% पानी बढ़ा दिया, कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो नहीं छोड़ा आपने, सारे फंक्शनों को बंद कर दिया, कोई पैसा नहीं वहाँ लगा रहा नहीं है। चुनाव की सोच आपकी, अर्थ प्रकाश टीवी पर हम रोजाना आपके साथ किसी ना किसी वार्ड में जाते हैं, किसी ना किसी इलाके में जाते हैं और वहां पर सीधे आपके नुमाइंदों से आपकी बातचीत करवाते हैं, साथ ही वहां के निवासियों से, वहां के सम्मानित नागरिकों से भी हम आपकी बातचीत करवाते हैं और इसी बहाने हमें शहर के विभिन्न मुद्दों के बारे में, विभिन्न मसलों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि हमारे नेता, हमारे शहर के लोग इन मुद्दों को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 में। आपको मालूम है कि डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद कुछ बदलाव वार्ड्स में हुए हैं, तो इस वार्ड में भी कुछ बदलाव हुआ है। पहले ये वार्ड 27 और 28 सेक्टर पर ही हुआ करता था, लेकिन अब 30 भी इसमें था, लेकिन अब 29 सेक्टर से, 27, 28 और 29, ये तीन सेक्टर इस वार्ड का हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या मसले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप इन सेक्टर्स के बारे में जानते हैं, चंडीगढ़ के बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं। चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री पवन बंसल यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा मोटर मार्केट, जो कि चंडीगढ़ की बहुत ही खास जगह है, वो मोटर मार्केट यहाँ पर है। मोटर मार्केट में कई बार कई तरह के मसले उठते रहे हैं, तो इन सारे मसलों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं इस इलाके से जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे आपका परिचय कराता हूं, देवेंद्र बबला। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चंडीगढ़ में लगभग हर निवासी इनको अच्छी तरह से जानता है। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मनु वसीम मौजूद हैं, गुप्ता जी हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कमल जी हैं, सचिन मित्तल आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुनील ढाका जी हैं, अनिल गुप्ता जी हैं, जो कि मार्केट की जो एसोसिएशन है इसके अहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं। अमन जी हैं, तो काफ़ी सारे हमारे साथ हमारे साथी हमारे मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि शुरुआत हमें बबला जी से ही करनी चाहिए। बबला जी, बबला जी, सबसे पहले तो आप मुझे, हम जी आपसे ये शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से मौजूदा पार्षद हैं, आप यहाँ के हर निवासी को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ के अगर पिछले अगर 5 साल के अपने कार्यकाल को अगर मैं आपको जज करने के लिए, तो आप उसको कैसे जज करेंगे? क्या आपकी उपलब्धियाँ रही और कहाँ आपको लगा कि ये काम मैं और कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया? ऐसे है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ जी कि हाँ जी 100% काम हो गया, ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे सबसे बात करेंगे, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा। मैंने सबसे पूछा, आप पता करिए ना, आप जो है मेरा तो ये है, मैं तो कहूँगा हाँ जी मैंने सारे काम कराए हैं, बहुत काम कराए हैं, ये बताएंगे कि हाँ जी हुए हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं, फिर शुरुआत करिए करिए निश्चित तौर पर, क्योंकि इनका जो व्यू होगा वो एक्सट्रीम होगा। हाँ जी, बाकी जो साथियाँ उनका व्यू जो है थोड़ा मॉडरेट होगा। हाँ बिल्कुल, तो वसीम साहब से शुरुआत करते हैं। वसीम साहब, आपने बबला जी की बात सुन ली, वो कहते हैं कि मेरे बारे में जो जजमेंट करेंगे यहाँ के निवासी करेंगे, इस वार्ड के निवासी करेंगे, तो आप क्या जजमेंट करते हैं इसके बारे में? बड़ी अच्छी बात बोली बबला जी ने कि वार्ड के निवासी करेंगे जजमेंट, वो इनको जो जजमेंट का जो रिजल्ट है वो आने वाले चुनाव में पब्लिक दे देगी इनको बड़ी जल्दी, लगभग महीने का और वक्त रह गया। और ये अपना वार्ड छोड़कर 29 सेक्टर में जा रहे हैं और यहाँ लोग जो तंग हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। रोज़ सुबह 7 बजे 8 बजे लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनका खुद यहाँ मेयर को बुला के, मेयर हमारी पार्टी का मेयर वहाँ यहाँ बुला के उनसे काम करवाए मैंने। मेरी बड़ी बदकिस्मती यह है कि एक ही अगर कांग्रेस वार्ड जीती थी जो पिछले चुनाव में, वो ये वाला। हमारी बदकिस्मती इसलिए है कि पवन कुमार बंसल जी जो यहाँ 2014 में हारे, 2019 में हारे, उनका बिल्कुल पिछली जो दीवार लगती है उस दीवार में दुनिया, उस पीछे जो पार्क है जैस्मिन पार्क जो सुना था अभी बहुत अच्छा, और लोग उसकी फ़ोटो को मेरे को भेज रहे हैं, मेरे पास एक एक प्रूफ के साथ आज भी, आज सुबह की भी लेटेस्ट जो फ़ोटो चाहिए तो वो भी मेरे पास है। इतना बुरा हाल है, वो कह रहे हैं कि हम बबला जी के पास गए, लोग कह रहे हैं जो वहाँ
टीमें बनी हुई हैं, लोगों ने कहा कि हमने टीमें बनाई हैं, वो लोग खुद काम करते हैं और मैं उनकी फ़ोटो खींच के लाया हूँ। वो लोग वहाँ खड्डे भर रहे हैं पानी, जो उसमें मलेरिया चल रहा है, डेंगू इतना चल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, पार्षद को कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, कोई मतलब नहीं किसी से, उनको ये है कि हमने वार्ड जीतना है और वार्ड जीत के रहना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ गंदगी अगर किसी वार्ड में है तो यहाँ है, अगर यहाँ के कम्युनिटी सेंटर देख लो तो मैं सोचता हूँ इससे गंदे कम्युनिटी सेंटर शायद ही कहीं और हो। उनके हॉल देख लीजिए, हॉल के अंदर कोई लाइट ये वो कोई प्रबंध नहीं है। आप देखिए हमारे अरुण सूद जी जो प्रधान भी हैं, हमारे काउंसलर भी हैं, जो इतने बड़े बड़े उन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं, लोगों को फार्म हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, शैंडलेयर लगे हैं उसके अंदर, 5-5, 10-10 लाख रुपए के शैंडलेयर लगे हैं। आप मेरे साथ चलिए, जब मर्जी आप जा सकते हैं, आज भी चलिए, वहाँ इतने सुंदर ऑडिटोरियम बन रहे हैं। बताइए जो सतेंद्र जी जब यहाँ पे पार्षद थे उसके बाद कोई नया काम कोई हुआ? यहाँ जो झूले लगे हैं वो भी उनके कुछ टाइम के लगे हैं, जिनमें लोहे की त्रेड़ें आ गई और बच्चों के टांके लगे हैं उस झूलों में, मैं उस बात का गवाह हूँ और मेरे पास उनकी फोटो हैं, और वो झूले आज तक भी नहीं बदले, आज भी लगे। चलिए ठीक है, तो आपने सुना नेचुरली बीजेपी की तरफ से इसी तरह का रिएक्शन आ रहा था, वो हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं गुप्ता जी से बात करूँ या सचिन जी से बात करूँ, यहाँ के निवासियों से भी जो जो कि किसी पार्टी से संबंधित नहीं है लेकिन इस सेक्टर से सरोकार रखते हैं, उनसे बात। तो राजा जी आपने अभी मनु जी की बात भी सुनी, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी, हमारे को तो ये पता है कि आधी रात को फ़ोन करते हैं बबला जी को, चाहे हमारी मार्केट में दिक्कत है, हमारी पीछे दिक्कत है, पीछे वो पार्किंग बनाने की दिक्कत है, सारी बबला जी ने एक मिनट में सुनी, और कभी भी इनको रात को 12 बजे फ़ोन कर लो तो उनका रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आती है। जितने हमारा ग्रुप बना हुआ है 28 सेक्टर का, उस ग्रुप के अंदर जो भी कंप्लेंट डलती है उस कंप्लेंट का दूसरे दिन रिव्यू आता है, भी बहुत धन्यवाद जी आपने काम करा दिया जी। तो हमें तो इससे अच्छे पारस पे कोई नज़र नहीं आते। अच्छा, तो गुप्ता जी आप क्या कहेंगे? आप भी बांटते हैं जी के पास सरपंच जो हमारा भाई बबला जी हैं, जो इन्होंने कहा है कि आधी रात को बुलाओ, मैंने तो 10 बार बुलाया, 20 बार बुलाया, फ़ौरन हाजिर हो गया। चाहे मुझे पर्सनल काम है, एसोसिएशन का काम नहीं है, किसी चीज़ का काम नहीं है, कोई संगठन का काम नहीं है, भी पर्सनल लेवल पे मैं इनकी तारीफ करूंगा ही करूंगा, और क्योंकि ये तारीफ़ के काबिल हैं, और जो हम अपने लेवल पे 28 के लेवल पे काम करवाते हैं वो तो 101% करके देते हैं, वो उसकी तो कोई रीस ही नहीं है। नेक्स्ट चुनाव में आपको लगता है कि सब जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी सॉल्व हो चुकी हैं या एक सेकंड में सॉल्व होती है जी? फौरन सुनते हैं और करवा के देते हैं, ये नहीं कि बातचीत हो जाएगा ना। अभी हमारी सारी कराई है, अभी 4 दिन पहले हमने 6 मिनट पहले रिक्वेस्ट करी थी, उसका टेंडर भी कॉल हो गए, हमारी सारा काम शुरू हो गया जी, खत्म होने वाला काम नहीं। जैसे वसीम साहब ने मुद्दा उठाया कि जो उनका उनकी जगह, वो ठीक कह रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम अपनी जगह सही बोल रहे हैं, आपने तो हर एक की बात सुन ली, बिल्कुल लेकिन जहाँ ये हमारे लिए ठीक है बिल्कुल ठीक है, जहाँ इनकी भी नहीं सुनवाई हो रही वहाँ आप डिसीजन लोगे ना कि इनकी क्यों सुनवाई नहीं हो रही। मतलब हमारे लिए तो ये हम यही उम्मीद करेंगे नेक्स्ट अगर पार्षद हो तो यही हूँ बस, यही हूँ, और इनकी पार्टी भी जीत करें, इनकी पार्टी ये जाएंगे आप। अच्छा, यही चलिए, खैर आपका बहुत अच्छा व्यू है बबला जी के बारे में, और वो काबिल भी है। बाकी और लोग जो हैं कोई बबला जी के बारे में, इस बात के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे? आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी, आपसे फिर दोबारा बात करते हैं। अभी हम जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं जो पार्टी से नहीं है, पहले हम उनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद पार्टी की बात करेंगे, और फिर अंत में हम बबला जी क्या कहना चाहते हैं मुख्य भाई। हाँ जी कंवल जी, आप हमारा बच्चों से 28वें जीता है जी, 28वें हमारा काम है जी, मेरा घर है कोठी नंबर 2 जी। सचिन जी आम आदमी पार्टी वाले हैं, मेरे नेबर हैं बिल्कुल जी। मनो 24वें जी मेरा पड़ोसी है, बबला जी बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं जी। बबला जी पिछले 15 साल से यहाँ पे काउंसलर हैं जी, किसी को दिक्कत आती है तो मेरे को तो आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई, जो काम हमने सोचा ना जी ये काम करना है वो काम नहीं। आप पर्सनल कामों के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है, निश्चित तौर पर बबला जी बहुत ही रिस्पॉन्स करने वाले बंदे हैं, लेकिन कुछ काम जो है ना सामूहिक होते हैं, कलेक्टिव काम होते हैं, वार्ड की काम है, उनके बारे में आप क्या रहे हैं, क्या उनमें कहीं दिक्कत है? जैसे पार्क का बनना है, कम्युनिटी सेंटर है, ये सड़कों की हालत ख़राब है, उसके बारे में आप क्या चाहिए इनका जो है कम्युनिटी सेंटर जी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई काम होता तुरंत करवा देते हैं, ये तो नहीं खासियत है, आप ये किसे पूछने जरूरत नहीं है। हाँ, अब आम आदमी पार्टी से हमारे गुरदयाल सिंह जी भी हैं और सचिन की बात आ गई, आप आ जाइए इकट्ठे, आ जाइए आपसे इकट्ठे बात कर रहे हैं।
हाँ गुरदयाल जी, पहले आपके नितिन जी की बात करते। हाँ जी, सत श्री अकाल सारे, मैं आम आदमी पार्टी तो गुरदयाल सिंह। हाँ जी, अज तक देखो जी कांग्रेस इन्ने साल रह के गई है, कांग्रेस ने जोड़े काम किए सब ने देखे है। अज बीजेपी सरकार साड़ी मौजूदा सरकार है, जो काम वो कर रही है वो सबनों पता है। नहीं तुम दसो ना अपने मुँह नाल दसो, जोड़े काम होए ने जोड़े नहीं होए वो बारे दसो। साडा तो कोई काम नहीं होया जी बीजेपी सरकार, मिसाल के तौर पर कोई मिसाल दो। मिसाल के तौर पर साढ़े सैक्टर का ही काम ला लो, साडे वार्ड का ही कोई काम ला लो, ना बीजेपी सरकार ने साडे एम सी ने कोई पार्कों का काम किया, ना कोई साढ़े नाले खराब है वो देखे के जाके, अगर कोई जाके कंप्लेंट करता अज भी असं थानू वो चीज़ा दिखा सकते जड़िया लोड़ है सैक्टर दिया, वो लोड़ पूरी नहीं हो सकती। कौन पार्षद कौन है देवशाली जी? ये काम हमारे नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये तो जनरल बातें तो होती रहती है कि जी करते नहीं होता नहीं। किसी के ऊपर अभी नहीं जाऊंगा पर्सनली, मैं नहीं जाऊंगा क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा जी, वो सबको पता है, बबला जी यहाँ खड़े हैं, मन्नू जी खड़े हैं, सबको पता है कि यहाँ पे क्या काम किसके हुए हैं किसके नहीं हुए। मेनली जो हमारे मेनली जो मुद्दे हैं वो स्कूल्स को पार्क्स वगैरह को लेके हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भी नहीं आए हूँ, हर जगह पे आए हैं, मन्नू जी भी हर एक जगह पे हमें दिखे हैं, बबला जी भी दिखे हैं। पहली बार एम सी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी यहाँ पे खड़ी हुई है, उसके बाद जो होगा वो सबके सामने होगा रिजल्ट उसका। चलो ठीक है, अब हाँ जी हाँ हाँ कहिए कहिए। देखिए ऐसे अगर आप बात करोगे 28 सेक्टर की, हाँ जी 28 में मैं रहता हूँ जी, अगर आज आप हम बबला जी की बात कर रहे हैं जी, मनु जी को मैंने दूसरी बारी देखा होगा आज तक। अच्छा पार्षद बबला जी जी नहीं, आपको मैं वैसे बता दूँ नहीं, पार्षद तो रोजाना का आपका जितने हमारे 28 में जितना जो मार्केट में हमारे ग्राउंड में हमारे पार्क में हमारे रोड में जितना कुछ हम देख रहे हैं ड्यूट है, क्रेडिट सारा इनको जाता है, ठीक है ना जी। अगर आप बीजेपी की बात करते हो या किसी और सरकार की बात करते हो, मुझे इनसे मतलब मुझे पता है, मैंने कंटैक्ट भी किया हुआ है, फ़ोन भी किया हुआ है, बातें भी हुई हुई हैं मेरी सबसे, पर जो रिस्पांस इनका है जैसे ही आज 28 दिख रही है, जैसे अपना सारा सेक्टर दिख रहा है, जैसे पार्क दिख रहे हैं ब्लॉक दिख रहे हैं, कोई कमी नहीं है किसी पार्क में, कोई ब्लॉक में किसी कमी नहीं, कोई रोड में कोई कमी नहीं। आप देखो अगर आज पार्किंग है ए क्लास है, फ़ोन करो एक मिनट से पहले हाजिर है। चलिए ठीक है, अब आप गुप्ता जी से पूछ रहे थे, गुप्ता जी मैनू ट्रीटमेंट खाना चाहगा, मैनू रोकया गया, मैं 2729 सैक्टर तो बोल रहा, ये मेरा वार्ड है, हाँ बोल रहा, मैं उदा नहीं बोल रहा भी तू उदा आके, मैं कह रहा मैं वार्ड तो गल कर रहा ना कि सैक्टर तो। ठीक ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया गल है। गुप्ता जी अभी जो बात ये हो रही है कि बबला जी जो लोगों की जो राय मुझे पता लग रही है वो तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ऊपर जो लोग बैठे हुए वो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो आपको लगता है कि इनके साथ सुतेला व्यवहार वहाँ पर हुआ है? ऐसा है देखो, मार्केट और रेजिडेंट जो होते हैं ये कामों में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, मार्केट के काम अलग टाइप के होते हैं, रेजिडेंस के अलग टाइप के होते हैं। अब मार्केट के अगर देखना चाहते हो जरा आओ आगे आओ। नहीं अभी चलो इतना हमारे पास वो नहीं होगा, मेरे को फोटो है जी। आप बता सकते हैं? मेरे को फोटो है सर, वो देख लो जी सामने, देखो एक बार देखो ना, चल के देखो ये फोटो देख रहे अड़िया में बना दे कि मार्केट का देखो देखो ऐसे होता है मार्केट के काम देख लो और रेजिडेंस के अलग अलग होते हैं। अभी तो मार्केट देख लो अभी, और हम पार्टी के हैं, हमने अपनी पार्टी की बात करनी है, बिल्कुल करेंगे। मेरा सिर्फ एक इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है बबला जी, बबला जी आप तो इतने इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उसमें सिर्फ लोकल बॉडीज के लोकल इश्यूज को लेकर ही लोग वोट करते हैं,
या उसमें रेस्टोरेंट और जो प्रादेशिक मुद्दे हैं, जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं या जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी लोग वोट करते हैं। जैसे कि आजकल महंगाई का मुद्दा जो है वो जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर लोग, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये है नगर निगम के चुनाव, ये कोई नेशनल लेवल के चुनाव नहीं है, ठीक है। महंगाई क्या है क्या नहीं है सब लोगों को पता है। हम यहाँ बात करेंगे लोकल इशू की। लोकल इशू जो है वो जब नगर निगम के चुनाव होते हैं वो जो वहाँ से पार्षद चुना जाता है उसकी ड्यूटी पर। मेरे भाई छोटे मनु भाई ने जो है बातें कही, सारा आपको मौका, कोई बात नहीं, फोटो खींची। मैं पहले कहा था कि 100% जो है अगर वहाँ पे किसी ने कचरा वहाँ पे उठा के घर से बाहर फेंक दिया और भाई ने फोटो खींच ली, उसके बाद मेरे पास जब भी फोटो कोई आती है तुरंत उसी टाइम जो है उसको दूर किया जाता है। वो कचरा जो है कौन फेंकता है? वहाँ के रेजिडेंट ही फेंकते हैं ना, कोई बाहर से तो उठ के आ नहीं जाता। अब पार्क की बात कर रहे हैं, ये आप यहाँ से जाते हुए पार्क देख जाना, 28 के भी देख जाना, 27 के भी देख जाना। 29 सेक्टर अभी हमारे अंदर आया नहीं है, अगली बार में चुनाव में आएगा। जितनी साफ सफाई यहाँ के पार्कों की होती है शायद किसी भी सेक्टर के अंदर नहीं होती। जी मैं कह रहा हूँ, सारे देख लो जी। अरे भाई मेरे को बात कर लो, बात कर रहे थे, एक बड़े आ रहे हैं, तू बोल रहा था फिर मैं बोल रहा था, क्या नहीं है? मैं पहले कह रहा हूँ, मैं पहले कह रहा था कि जब पार्क के अंदर कभी पानी कोई पाइप फट जाती है, ठीक है, उसमें पानी इकट्ठा होगा ना, बिल्कुल, वो पानी को ठीक करने के लिए एक आधे दिन का टाइम लगता है। अब उस चीज़ की अगर फोटो खींच के ये छुपाएंगे यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि अगला चुनाव आना है, चुनाव में लोग जो है जिसको चाहेंगे, जिसने काम किया है। मैं तो हमेशा किसी भी पार्टी को रख के चुनाव नहीं लड़ता, जो किसी भी पार्टी से हो। ये गुप्ता जी सामने खड़े हैं, जिस दिन यहाँ पे हमने ये पेपर ब्लॉक लगाने की शुरुआत की, ये सामने मार्केट के लोग, मैंने आपको फ़ोन किया, बताइए आपको फ़ोन किया कि जी आपके हाथों से हमने यहाँ नारियल फड़वाना है। हम तो इनके लोगों को भी उतनी इज्जत मान देते हैं। रही बात यहाँ पे काम करवाने की, जी ये कह रहे हैं कि जो अपना कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर जो है ये बने हुए हैं पुराने, ये पुराने बने हुए हैं। आप जाके वहाँ भी देख लेना कि ये कह रहे हैं जी वो बुरा हाल है, ये है। आप जाके जो जो इन्होंने कहा है उसका एक बार वीडियो जरूर बनवाना जी, पता लग जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद 6 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चों को खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनाया वहाँ पे, साथ में स्विमिंग पूल बना है। 30 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर जो एक छोटा सा डब्बा था उसको जाके देखिए कितना बड़ा बन रहा है वो, ठीक है। काम मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, जो यहाँ के लोग बोल रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, अगर मेरे खिलाफ़ बोलेंगे आप खिलाफ छापिए, अगर मेरे हक में बोलेंगे, ये मेरे को रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे को रिश्तेदार नहीं है। आपका ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, मैं बात हो रही है, वो सबके सामने हो रही है। मैंने पहले कहा है कि मैं खुद अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहता कि मैंने क्या करवाया है। अगर लोगों के लिए मैंने काम करवाया है, अगली बार इलेक्शन में मुझे वोट डाल देंगे, अगर नहीं करवाया तो नहीं डालेंगे। तो बाबा जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पर इतना जरूर है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है ना, मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है, ठीक है। इनके भी मैं घर गया था, ठीक है, आज ये कैंडिडेट है, मैं इनका बहुत आदर मान सत्कार करता हूँ, मेरे में उम्र से बड़े हैं। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, वॉलंटियर हूँ। चलो वॉलंटियर है, जो भी हैं वॉलंटियर, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मनु भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा छोटा भाई है। इन्होंने जब भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम इनका होता था जागरण में, हम खुद आते थे यहाँ, रामलीला की स्टेज के ऊपर मैंने कहा था कि मनु भाई यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। मैं कभी किसी के खिलाफ बोलता ही नहीं, मैं, मेरी पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँ। मैं कह रहा हूँ काम करो, काम करो, काम करोगे तो लोग आएंगे। ये पूछिए, ये लोग जो हैं यहाँ पे इतने हैं, ये सारे जो हैं या मार्केट यहाँ इस साइज में चल जाइए, मैं नहीं जाता वहाँ अकेले, चल जाइए मनु भाई को लेके चले जाइए, आप मनु भाई को लेके चल जाइए, ठीक है। वहाँ के पार्क भी देख लेना आप, वहाँ की सड़कें भी देख लेना और वहाँ की मार्केटें भी देख लेना, ठीक है ना। आप जरूर बोलिए, आप देखिए, आप जरूर मनु जी के साथ आए हैं, आप बोलिए प्लीज, मैं कहूँगा बोलू, मुझे पता है, मुझे पता है आपको है, आपको है, सबको है, सबको है। अरे मैं कह रहा हूँ आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए,
मेरे साथ एक भी आदमी नहीं आया, मेरे साथ एक भी आदमी नहीं आया, एक मिनट, ये जरूर 5 आदमी लेके आए होंगे भाई मेरे साथ, एक मिनट मेरे साथ कोई भी आदमी यहाँ पे आया बता दीजिए, मैं दे रहा हूँ जो एक मिनट मेरे साथ जो भी आदमी आया बताइए, मैं दे रहा हूँ, ये सारे दुकानदार हैं, मैं दे रहा हूँ, ये सारे यहाँ काम करते हैं, मेरे साथ कौन है, कोई भी नहीं, पब्लिक कोई भी आ सकता है, मैं दे रहा हूँ जवाब, आपने मेरे से सवाल किया, मेरे से बाद आपने जो लोग थे उनसे किया, उन्होंने कहा जी मैं आधी रात फोन करता हूँ बबला जी आते हैं जी, वो दूसरे ने कहा जी मैं आधी रात फोन करता हूँ, आप उनके तीन बंदे, मेरे कोई ऐसे बंदे किसी से आपने फोन वाले का काम तो हो जाता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ अगर इनके कोई पर्सनल टच है तो काम हो जाएगा, नहीं तो लोग बहुत दुखी है, बीजेपी के हाथ में आए, मनु जी ने फोन करा कि मनु जी मेरी लाइट 3 दिन से चल नहीं रही है, जो इनके वहाँ पर मेरे पास प्रूफ है एक एक चीज का, जो मैंने 2-3 सालों से काम किया है, मेरे घर के पीछे जो अपनी 19 की रोड है वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, सारी जगह मलबा गिरा हुआ है, फाउंटेन में पानी भरा है वो चले कभी नहीं, फाउंटेन कभी चले ही नहीं, उसमें डेंगू के मच्छर और पैदा होंगे, डेंगू के मच्छर और उसमें क्या जरूरत है ऐसे फाउंटेन में, कांग्रेस के टाइम क्या जरूरत है, कांग्रेस के टाइम पे कम से कम 100 फाउंटेन लगे थे, जब से बीजेपी ने बीजेपी ने सारे फाउंटेनों को बंद कर दिया, कोई पैसा नहीं वहाँ लगा रहा नहीं है, आपने देखिए आपने पानी की इशू के बोला 30% पानी बढ़ा दिया, कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो नहीं छोड़ा आपने, कोई प्रॉपर्टी टैक्स देखिए 1 से 10 रुपए आप लोग जो है भरते नहीं हो, आप गुमराह कर रहे हो लोगों, आप गुमराह कर रहे हो, उनके साथ गुमराह कर रहे हो, पैसे भरते हैं उनसे पूछिए, बिल्कुल बताएंगे, अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कांग्रेस से बीजेपी लड़नी रहेगी, आम जनता नु आम आदमी पार्टी देखो, आम आदमी पार्टी नु देखो, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है जी, कांग्रेस की बी पार्टी कोई उतर जा रहा है, बेचारा छावड़ा जी का हाल देखो की करे, हाल देखो की करे, किसी भी पार्टी के बारे में कोई भी गलत नहीं बोलते, सभी पार्टियां एक साथ है, सबको अधिकार है, ए पार्टी बी पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, बी पार्टी है, कांग्रेस उतर जा रहा है, बीजेपी भी यहाँ पे लोगों की कह रहे हैं, एक बार बबला जी दोबारा आएंगे यहाँ पे, मुद्दा ये था कि बबला जी आप फोन करते हुए आ जाते हैं, मुद्दा ये था फोन करते आ जाते हैं, बीजेपी का कोई काम नहीं रुक जाएगा, बार बार आप उन्हीं पे लेके जा रहे हो, उन्हीं डेबिट कराए जा रहे हो, भाजी वो कह रहे हैं मैं फोन करता आ जाते हैं, ये तो मुद्दा ही नहीं है सारी बात यही खत्म कर देता हूँ, आप जाइए वार्ड के अंदर घूमिए, कैमरा आप मेरे साथ भी चलिए, कैमरा लेके मैं दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा,
इकहत्तर छोड़िए, 27 छोड़िए, 28 तक पूरा करें। आप इसी मार्केट में आइए पीछे, मेरे को पता लोग रोज बुला रहे हैं। आप इस मार्केट में पीछे आइए, हाल देखो लोग आप कह रहे थे कि आपको मौका नहीं मिला, आप घूम के देखो, आप इसी मार्केट में देखिए हाल क्या। मेरे पास आ रहे हैं, मेरा यहाँ काम नहीं कुछ नहीं। सर जी हो सकता है हम गलत हो, ये सही हूँ पाजी, को भी हम घूमेंगे, महीने का रह गया, ये सही और गलत हो जाएगा सर, एक महीने की बात रहेगी, एक महीने की बात है। आप देख रहे हो हमारे लगते ही हो पाजी, ये भी अलग है, फिर आप हमारे लगते हैं, मैं हर लोग अगर आपसे होता, ये नहीं था कि बबला जी आपसे नहीं आते, होता ये था कि यहां क्या काम आप कह रहे हो, दोबारा में बोल दिया ये देखा कौन सा काम है, मैंने बता दे, मैं तो गल कर रहा पाजी, मैं तो गल कर रहा हूं, मैं ये गल कर रहा हूं, अच्छा केड़ा कब नहीं होया, दस दो केड़ा कब नहीं होया, और दस उसी का हाल देख लो क्या। आइए आइए, मैं फोटो मेरे पास है, यहाँ करके जाइए, यहाँ करके जाइए, फैसला क्या करना, इनको कहना अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनको बोलो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं दिखाता हूँ इनको ग्राउंड, आज ही इनको बोलिए, आज ही लिख के दे, आप लोगों ने लड़ाना है, चलो लड़ा लेंगे, महीने बाद जल्द आ जाएगा, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।